जय हिंद साथियों, अपने समस्त देशवासियों को, जितने भी भारतवासी हैं सबको इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपनी टीम गुरु जी की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं बधाई देते हैं। मैं साथियों ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक ही शब्द बोलना चाहूंगा साथियों, जो ये तिरंगा है इसलिए नहीं लहराता, जो ये तिरंगा है इसलिए नहीं लहराता कि हवाएं चल रही होती है, बल्कि यह झंडा इसलिए लहराता है कि हर उस जवान की आखिरी सांस से लहराता है जो इसकी सेवा में अपनी प्राणों को त्याग देता है। तो साथियों, आप जितने भी हमारे देशवासी हैं, मैं अपनी टीम गुरु जी की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। साथ ही साथ आपको आपकी मंजिल के लिए इतनी सारी शुभकामनाएं देता हूं कि मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग अभी सेना की तैयारी करते, विभिन्न पदों के लिए तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, दरोगा, आर्मी, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका शौक है, मैं चाहता हूं कि आपको अगला जो भी 15 अगस्त 26 जनवरी आए, आप जो झंडा फहराए, जो आप मिठाई खाए, जो आप इस देश के मान सम्मान हो, आपकी वर्दी, आपका टैग होना चाहिए, आपकी आत्मरक्षा स्टार लगा होना चाहिए, तब मैं अपनी टीम गुरु जी की ओर से आप सभी का जोर शोर से स्वागत है और ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप जब नेक्स्ट बार जब मेरे पास आए तो आप लोग वर्दी में आए। आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी ढेरों सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके कंधों पर जल्द ही स्टार, जल्द ही सितारे, जल्द ही सेना की वर्दी मिले। साथियों, जो आज का समय है इसके बारे में विशेष चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान, हर भारतवासी इस दिन को याद करता है। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इसके बारे में व्याख्या नहीं, हर बच्चा जानता है कि आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, कितनी कुर्बानियां दी गई। इसके बारे में विशेष बात न करते हुए मैं साथियों अपने जितने भी तमाम देश में हमारी सेना की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन सभी को सैल्यूट करते हैं जो सेना में जाने के लिए दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करते हैं, जो अपनी नींदों को त्याग देते हैं, 2 बजे 3 बजे बेड छोड़ देते हैं जब पूरा दुनिया सोई रहती है, तब अपने देश की सेवा में, देश की सरहदों पे जाने के लिए अपने बहुत सारे जो शौक सपने होते उनको त्यागते हुए, ताकि हम भी भारत माँ की सेवा करें। सब उन भारत माँ के जो भी लोग वो वीर सपूत होते हैं, जो भारत माँ की सेवा में अभी विभिन्न बॉर्डरों पर, विभिन्न जगहों पर इस देश की सेना के, देश की सेना में है और देश की सेवा में लगे हुए, वो एक बार जितने भी हमारे देश के नौजवान साथी हैं, जितने भी हमारे जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हो, एयरफोर्स ने भी, विभिन्न पुलिस दरोगा, जो भी लोग इस देश की सेवा दे रहे हैं, सबको आज 15 अगस्त के दिन सभी को सैल्यूट करते हैं और सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और मैं चाहूंगा कि मेरा भी उम्र का 1% 1-1 सेकेंड भी आपको मिल जाए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। साथियों, आप लोग बहुत महान हो, आपके माता पिता भी बहुत सौभाग्यशाली होंगे जो ऐसे ऐसे बेटों को सरहदों पर भेजे हैं, और बहुत वो भी माँ बहुत सौभाग्यशाली होगी जो अपने बेटों को इस देश की सेवा के लिए खो दी होगी। आप खोए नहीं है, आपकी बेटा मरा नहीं बल्कि आपका बेटा अमर है। साथियों, आज जो 15 अगस्त है, स्थापना दिवस भी हमारी टीम, हमारी संस्था का है, तो इसके अवसर पर आपको विशेष सूचना दी जा रही है कि एक सुपर 50 बैच का विमोचन हो रहा है, हमारे सुपर 50 बैच का विमोचन हो रहा है, जो हमारे आदरणीय बाबा जी है, हरिओम बाबा जी, आप देख रहे हैं, ये इसका एक फॉर्म है, आप देख रहे हैं सुपर 50 बैच, ये लड़का लड़कियों सभी के लिए गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर की ओर से। आप जितने भी बिहार हो या बिहार के अदर कोने कोने से जो भी छात्र छात्राएं हैं, सुपर 50 बॉयज का बैच है, सुपर 50 गर्ल्स का बैच है, ये ऐसा बैच है जिसमें सिलेक्शन होने का मतलब वो आपका नौकरी का जो जिम्मेवारी है, 50 में 500 बच्चों का जिसका इसमें सिलेक्शन होता है, आपका ट्रायल लिया जाएगा फिजिकली रूप से, आपका मेडिकली रूप से, आपका ट्रायल लेने के बाद ही इसमें सिलेक्शन होगा। फॉर्म कोई भी भर सकता है, फॉर्म जो होगा कोई भी कहीं से भी आप फॉर्म लेके भर सकते हैं और अपनी ट्रायल दे सकते हैं। इसके लिए विशेष सूचना, विशेष जानकारी आपको बाद में बता दी जाएगी कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। अभी इसका ये जो लॉन्चिंग है आज हो रहा है सुपर 50 का, इसमें इस संस्था के यही बोलेंगे, इसमें सिलेक्शन का मतलब जो भी बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, मात्र 50-50 का जो सुपर 50 बैच आएगा, इसमें सिलेक्शन का मतलब कि आपके कंधों पर वर्दी 100% होगी, ये संस्था की जिम्मेवारी होगी। तो आप सभी का जो आज जो स्थापना दिवस भी है संस्था का, उसमें आप सभी का ढेरों सारी शुभकामनाएं बधाई। आप लोगों ने हमारी संस्था को आज इतना प्यार दिया,
इतना ऊंचाई पर ले गए, इसके लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे। साथियों, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप दिन दुनी रात छोड़कर मेहनत करें और आप अपनी मंजिल को पालें। आज का दिन हम सभी के लिए विशेष है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मातरम मातरम मातरम।